आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। Redmi Note 5 Pro यूजर को खुशखबरी की बात है क्योंकि इसमें जो अपडेट नया आया है वो MIUI 10.0.8.0 का स्टेबल वर्जन जो कि अपडेट आया है, इसमें आपको बहुत सारे सुधार देखने को मिले हैं। चलिए हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो जैसा कि पहले आपको पता ही होगा कि इसमें बैटरी ड्रेनिंग का बहुत इश्यूज आ रहा था, तो उसको कुछ सुधार किया गया है। क्योंकि मैंने कल रात को ही अपना मोबाइल अपडेट किया है तो मतलब बैटरी ड्रेनिंग बहुत कम हो रही है इसमें, और इसमें गूगल लेंस का सपोर्ट आ गया है। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि गूगल लेंस इसमें नहीं दिया है, तो इसमें गूगल लेंस का सपोर्ट आ गया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि उसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो गूगल लेंस का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको स्लाइड करके आपको अपने पहले पेज पे आना होगा और यहाँ पर गूगल असिस्टेंट आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने गूगल असिस्टेंट का होम पेज खुल गया है, जिसमें आप यहाँ से कुछ सर्च कर सकते हैं। और इधर देख सकते हैं आप साइड में गूगल लेंस का सिंबल है और इधर आपका कीबोर्ड का सिंबल है। तो कीबोर्ड से आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप गूगल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। गूगल लेंस का प्रयोग करने के लिए केवल इस पर क्लिक करिए तो गूगल लेंस का फोटो खुल जाएगा, और इसके बाद आप बस केवल किसी भी चीज़ का आपका जो भी जानकारी लेना है बस उस पर क्लिक कर दीजिए इसे। आपका नेट चालू होना चाहिए, पहले मैंने अपना नेट चालू कर लिया। देखिए गूगल लेंस का प्रयोग, देखिए डायरेक्ट सर्च कर लिया कि फिलिप्स कंपनी का कुछ है, मतलब ये फिलिप्स कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर है। देखिए इसको इसने डिटेक्ट कर लिया। और इसी प्रकार आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे देखिए मोबाइल है, बस केवल आपको क्लिक करना है। देखिए सैमसंग के मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी दे देगा इसमें। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि सर्च करने में आपको काफ़ी मददगार देगा इसमें। कहीं आप हैं मान लीजिए किसी प्लेस पे हैं, वहाँ पर आप केवल क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं कि उस जगह के बारे में। तो ये तो रहा गूगल लेंस का प्रयोग। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि इसके कैमरा इंटरफेस में क्या बदलाव आया है। तो सबसे पहले इसका हम कैमरा खोल लेते हैं। तो कैमरा में आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट मोड में अभी भी आप 2x जूम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी जूम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन जो कैमरा का फोकसिंग करने का वो है, देखिए तुरंत कर रहा है फोकस कहीं भी, और इसमें नाइट मोड में भी परफॉर्म अच्छा कर रहा है इसका कैमरा। तो चलते हैं देखते हैं कि इसके कैमरा सेटिंग में कुछ बदलाव आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक बदलाव आया है, स्कैन QR कोड का। तो इसमें आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा इसके कैमरा मोड में, आपको QR कोड स्कैन करने का, और इसमें कुछ नया नहीं आया है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी में आपको टाइमलेस स्लो मोशन तो पहले से दिया था, और आपका ये भी पहले से ही दिया था, लेकिन फुल HD प्लस पे रिगार्डिंग 60 फ्रेम पर सेकंड पे ये कर रहा है इस समय, लेकिन ये भी पहले ही आ चुका था 6 में ही। तो यही रही इसके कुछ नए अपडेट। चलिए इसके हम और आपको सिक्योरिटी ऐप में दिखा दें क्या क्या नया नया बदलाव आया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहले बूस्टर का आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको बूस्टर का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ से। तो आप यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीप क्लीन पहले ही था, व्हाट्सएप क्लीनर, फेसबुक क्लीनर शायद ही अभी आया है हमको लग रहा है, नहीं तो ये सब तो पहले का था। ये ब्लैकलिस्ट, गेम स्पेस, ये सब पहले का था। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बस केवल यही कि बूस्ट स्पीड आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने रैम को स्पीड बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ऐप मैनेज कर सकते हैं, अनइंस्टॉल करना है कि क्लियर डाटा करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर डिफ़ॉल्ट भी आप यहीं से हटा सकते हैं, कोई ब्राउज़र हमारे आपका क्लियर डिफ़ॉल्ट हो गया तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। तो ये रहा इसका फुल रिव्यू। इसमें आपको फिक्स देखने को क्या क्या मिलेगा, सबसे पहली बात तो इसमें गूगल लेंस का सपोर्ट देखने को मिल गया है इस बार, और नया
सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा जो कि दिसंबर का है, और आपको कैमरे में QR कोड का स्कैनर देखने को मिलेगा, और कुछ होंगी लेकिन अभी पता नहीं है हमको, अपने आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे मतलब क्या और कुछ सुधार हुआ है कैमरे में। मतलब काफ़ी अच्छा बदलाव आया है क्योंकि मैंने इसका कैमरा चेक किया है। अब फ्रंट कैमरे में जो फ़ोटो हल्का फुल्का ब्लर आता था, पोर्ट्रेट मोड सही से नहीं लेता था, लेकिन अब वो फिक्स कर दिया गया है। और इसमें जो बॉक्स था वो भी हमको लग रहा है सब काफ़ी फिक्स हो गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा तो रह गया होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वेट करिए थोड़ा एक हफ्ते तक, कुछ दिसंबर के अंत तक, क्योंकि इसका अपडेट रोलिंग आउट चालू हो गया है। आप लोग जानते हैं कि Xiaomi का अपडेट कब तक चलता है, महीनों चलता है इसका, किसी को मिल गया किसी को नहीं मिलता है। तो मुझे जब इसका लिंक मिलेगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के जरिए आपको इसका लिंक दे दूँगा, तो इसीलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।